नमस्कार, मेरा नाम गीता कपूर है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था टू थैंक द बीएमसी, जो अच्छा काम कर रहे हैं मुंबई को साफ और स्वच्छ रखने के लिए। और उस वीडियो के दौरान आई हैपन टू मेंशन कि मेरी माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब है। उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दुआएं, प्रार्थनाएं अलग अलग भाषाओं में अलग अलग देशों से भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा ये बात जब हुई तो मुझे एक और बात दिमाग में आई, तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू। आप ये सजेशन समझें, अपील समझें। एक ख्याल आया कि हम भारत जैसे देश में हैं, जहाँ भारत के हर शहर में, हर कोने पे, हर मोड़ पर आपको कोई ना कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आप प्रार्थना कर सकते हैं। देर आर चर्चेस, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं, अग्यारियाँ हैं। ये ऐसी जगहें हैं जिनमें लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं। क्या हम ये कर सकते हैं कि हम इन प्रार्थना स्थलों पर सूचना पत्र दें, ताकि जो प्रीस्ट्स हैं, इमाम हैं, मौलाना हैं, हाई प्रीस्ट हैं, गुरुद्वारे में गुरु हैं, वो ये बात अपने लाउड स्पीकर्स पर हर प्रार्थना के बाद लोगों को सूचित करने के लिए बोल सकें। जो लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है इस बात को समझने के लिए, टीवीज नहीं है, इंटरनेट का कोई उनके पास इंटरनेट की कोई सुविधाएं नहीं है, ये बात वहां तक पहुंचे, गांव में पहुंचे, जिलाओं में पहुंचे, छोटे शहरों में पहुंचे, कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से बच सकते हैं, और ये जो लॉकडाउन है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सो आई फील क्योंकि ये जगहों पे लाउड स्पीकर्स लगे हैं, इट इज़ ईजियर टू मेक अनाउंसमेंट्स बगैर गैदरिंग के, बगैर लोगों के नज़दीक आने से। ऑल्सो जब हमारे बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी लोग इस बात को कहेंगे तो लोग मानेंगे ज़रूर। हम अभी भी वो कल्चर को बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम बड़ों की सुनते हैं। सो माई अपील टू द गवर्नमेंट, टू whoever कैन हैंडल दिस एंड वेर एवर माई वर्ड कैन रीच, सजेशन है कि अगर हम ये सूचना पत्र ऐसी जगहों पे दे एंड अगर ये बीड़ा उठा लें हमारे प्रीस्ट्स, पंडित्स, मौलाना, इमाम, जितने लोग हैं जो अभी भी इन प्रार्थना स्थलों के अंदर हैं, और आपके पास ये सुविधा है स्पीकर्स की या लाउड स्पीकर्स की, अगर हम उनको सूचना पत्र देते हैं, द राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो उन लोगों तक ये बात पहुँचा सकते हैं जिन तक हम एज सेलिब्रिटीज नहीं पहुंच सकते हैं थ्रू इंटरनेट और थ्रू सोशल मीडिया। सो दैट्स ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम, इट्स इम्पॉर्टेंट। हम सब घर पर हैं, आपसे भी निवेदन है, आप अपनी सुरक्षा के लिए घर पर रहें और उनका काम आसान करें जो आपकी सुरक्षा के लिए भार हैं। थैंक यू, दिस इज गीता कपूर वंस अगेन।